पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जमानत मिलते ही रामपुर के विधायक के सीतापुर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। आजम खान जेल से रिहा हुए हैं, जिसकी झलक आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। अब हर किसी की निगाहें आजम खान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आजम अखिलेश का साथ छोड़कर शिवपाल यादव का हाथ क्या वाकई थाम लेंगे, ये सवाल चारों तरफ मजबूती के साथ उठ रहा है। अब इन सबके बीच में आपको बता दें, आजम खान के जेल से बाहर आते ही शिवपाल यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मेरी जानकारी की माने तो शिवपाल यादव आजम खान को जेल से बाहर रिसीव करने भी पहुंचे, और तो और शिवपाल यादव ने ट्विटर पर आजम की रिहाई को लेकर ट्वीट किया और लिखा, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वितो देव्यानः। लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो आज पूर्ण हुई। आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है, नमन। आजम खान को लेकर शिवपाल यादव का ये ट्वीट कई तरह के राजनीतिक समीकरणों को बदलता है। शिवपाल यादव से जेल से बाहर आए आजम खान की मुलाकात भी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।